गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी वेलकम बैक टू सत्यम क्लासेस नाउ आर स्टार्टेड फ्रॉम द क्लास एट लाइट चैप्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज विजुअल द एनी ऑब्जेक्ट द नेचुरल एजेंट ऑफ सेट ऑफ द मेक्स द थिंग विजुअल लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस फॉर्म ऑफ सरफेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका आपका फिगर दिखाया गया इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चलिए नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लैक्शन ऑफ द From a smooth surface like the mirror, that ऑफ फ्लो ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका इमेज कैसा होगा तो देख लीजिए आपका इमेज इस तरह से बनेगा आपका ये इस तरह से इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तो आपका यस yes, कैसा फिगर होगा तो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट इरेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ओवर द सर्फेस दैट ऑफ इरेगुलरिटी द इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट्स कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं जैसे आपका ये सर्फेस सर्फेस आपका ड्रॉ कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का सरफेस होगा ये रिफ्लेक्टेड इस तरह से हो सकता है ये रिफ्लेक्टेड इस तरह का हो सकता है तो ये चलिए डायग्राम इस तरह से शो कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट टू लॉ रिफ्लेक्शन आर द फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल इज आल्सो इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से शो कर सकते हैं द इंसिडेंस इज ऑल्सो इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल फिगर में दिखाया जाता है पहला इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड इज ऑलसो इक्वल और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइ एट द्लन किस प्लेन में सेम प्लेन में एक ही पॉइंट पर लाइ करेगा चलिए नेक्स्ट <coughs> नेक्स्ट आपका इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल किस तरह का होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इमेज आर इक्वी डिस्टेंस मैंने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड इमेज का डिस्टेंस आल्सो इक्वल होगा एंड सेकेंड पॉइंट इमेज इज इन द प्लेन मिरर अंडर गोज द लेटर इन वर्जन लेटर मैंने लेफ्ट टू राइट दिखाईगा लेफ्ट का चीज किस में दिखाई देगा आपको राइट में राइट साइड राइट साइड तो लेटर इन इसको कहते हैं चलिए नेक्स्ट कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ द इमेज इमेज नंबर ऑफ इमेज इज फॉर्म इन प्लेन में तो आपका एन इक्वल टू तो हो जाएगा थ्री सिक्सटी बाई थीटा माइनस वन जैसे सपोज कीजिए सिक्स आपको नाइन्टी डिग्री पर निकालना है कितना नंबर ऑफ तो आपको नाइन्टी डिग्री पर निकालना है इट तो मीन्स आपको थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा थ्री सिक्सटी नाइन्टी माइनस वन मींस फोर टाइम्स में तो फोर माइनस वन तो मीन्स थ्री कितने इमेज फॉर्मेशन होगा थ्री जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर रखिएगा तो कितने इमेज फॉर्म होगा थ्री चलिए नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स होगा फर्स्ट ऑफ ऑफ कॉर्निया देखिए सबसे ट्रांसपेरेंट मीडियम वाले को कॉर्निया कहेंगे फिर आपका आयरिस आयरिस लेंस स्लियरी मसल ऑप्टिकल रेटिना ये सब आपका पार्ट्स होगा ह्यूमन बॉडी का आई का पार्ट्स चलिए फर्स्ट ऑफ कॉर्निया कॉर्निया का बारे में चलते हैं तो कॉर्निया आपका कॉर्निया ट्रांसपेरेंट ब्लग ऑफ द फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ द आई बॉल चीज प्रोटेक्ट द आई एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो सबसे बाहरी पार्ट क्या कहेगा आपका कॉर्निया चलिए आयरिस इज ऑफ लाइट एंटरिंग आपका जो ब्लैक टाइप का है उससे पहले तो ये आपका हो जाएगा आयरिस जो लाइट ऑफ अमाउंट को कंट्रोल करेगा पीपुल्स डार्क होल इन द मिडिल मिडिल आयरिस थ्रो दिच ऑफ लाइट इंटर्स द आई इज कॉल्ड पीपुल उसको हम क्या बोलेंगे जो होल टाइप का होता है उसे हम पीपुल कहेंगे आई ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बिहड द पीपुल एंड आई इज कॉल्ड आई उसको हम क्या बोलेंगे आई लेंस स्लियरी मसल होल्ड द आई ऑफ लेंस पोजिशन एंड कंट्रोल तो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस रेटीना रेटीना इज अ स्क्रीन सरफेस स्क्रीन जस्ट लाइक अ स्क्रीन तो सरफेस ऑफ द रियर पार्ट ऑफ द आई बॉल ऑफ द लाइट एंटर द आई इज फोकस्ड तो इसको हम क्या बोलेंगे रेटिना रेटिना एक स्क्रीन की जैसा वर्क करेगा आपको और वो उस पर क्या बनेगा इमेज फॉर्मेशन होगा चलिए नेक्स्ट रेड रेड सेल और कौन सेल क्या था रेड सेल का वर्क रेड सेल आर रिस्पॉन्ड टू द स ऑफ द लाइट वायल द कौन सेल इज रिस्पॉन्ड टू कलर कौन सोल किस से आपको सी से कलर तो कौन किसके जिम्बा होता था कलर का ब्लाइड सेल एंड कॉन्स एंड कॉन्स आर प्रजेंट बेस आपको क्या होगा रेड सेल नॉट प्रजेंट द स्पेस बिट्वीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस इच फील्ड एक्व हाइमर उसको हम क्या बोलते थे एक्वा सेमर द स्पेस बिटवीन द आइलेंस लेंस एंड लेटिना इज फील्ड वेल्ट्रस हैमर किससे फील्ड होता था वेल्ट्रस हैमर से चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं विजुअल डिफेक्ट विजुअल डिफेक्ट्स इंक्लूड द इन एबिलिटी द नियर द ऑब्जेक्ट इन सी द फार द ऑब्जेक्ट इन ऑल पीपल ऑफ द लेंस क्लॉडी कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसको मोतियाबिंद कहते हैं नेक्स्ट पेज पर ब्रेली सिस्टम में क्या था ब्रेली सिस्टम इज अ रीड एंड राइट दिजुअल एम्पायर ऑफ द पीपुल जो अंधे लोग रहते थे उसके लिए ब्रेली सिस्टम दिया गया था कंसिस्ट ऑफ थ्री डॉट्स पैटर्न कितने थ्री दिस पैटर्न ऑफ इमेस्ट ब्रेली कैन बी रिक टच किस तरह से टचिंग करके कहता तो था द डॉट ऑफ राइट इन ऑर्डर टू मेक द इजियर टू टच जैसे आपका ये इस तरह का बना हुआ होता था सिक्स जिसमें टू 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 वर्टिकल लेंस और थ्री हॉरीजेंटल पॉइंट हॉरीजेंटल रो टू वर्टिकल रो और थ्री हॉरीजेंटल रो जिसमें पॉइंटर दिखाया जाता था इस तरह का चला